सारे आपके क्या ड्रीम्स हैं? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अभी पता नहीं है, कभी सोचता हूँ पायलट बन जाऊँ, कभी सोचता हूँ क्रिकेट बन जाऊँ, कभी सोचता हूँ साइंटिस्ट बन जाऊँ। अभी पता नहीं है, जब पता होगा तो जरूर बताऊंगा। जब पता चलेगा तो जरूर बताना, ठीक है? ठीक है। बच्चे भी ना, कितनी ऑप्शंस होती हैं इनके पास। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ऑप्शंस मर जाती हैं। मेरा बचपन बहुत मुख्तलिफ था। आपका बचपन कैसा था? मेरे पास एक ही ऑप्शन था और उसी में जिंदा रहना जरूरी था। और वो ऑप्शन क्या थी? बहुत लंबी कहानी है, कभी फिर सुनाऊंगी। अभी हम आपकी वीडियोस बनाएंगे। ओके, रेडी? चलो रेडी हो जाओ। क्या बताया था आपने? इंसान कहाँ से सांस लेता है? ट्री से। ट्री कहाँ से आता है? सीट से। सीट कहाँ से आता है? फ्रूट से। फ्रूट कहाँ से आता है? ट्री से। ये पूरा एक साइकिल है, मेरी मामा ने मुझे बताया था। He is very good. बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है। सारिब, सारिब नाम है। सारिब, यस सारिब। ये इसकी यही वाली बातें हम प्रोमो में यूज करेंगे। आई थिंक बहुत बहुत अच्छा बनेगा ये। और यही इसी की बातें सुन के बच्चे सीखेंगे इसे। लेकिन हम ये सब शुरू कैसे करेंगे? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम अभी शुरू कर सकते हैं डिस्कशन एपिसोड्स पे। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं बाहर चलते हैं, कहीं ड्राइव पे चलते हैं। ड्राइव पे? ड्राइव पे आप देखना, बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे। तो ये खत्म कर लो, लेट्स लीव। जो इंसान नेचर के करीब महसूस कर सकता है वो कहीं और नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है मैं दो दो महीने के लिए पहाड़ों में गुम हो जाता हूँ, बिल्कुल गायब। और फिर जब वहां से बोर हो जाता हूँ फिर शहर आ जाता हूँ, और यकीन करें शहर पहुंचते ही मैं अपने अकेलेपन को मिस करने लग जाता हूँ। देन आई गो बैक। चाय का ऑर्डर बेसिकली इन कुर्सियों का रेंट है, वरना इतनी खूबसूरत जगह पे कौन बैठने देगा। चाय मंगवा लो तो आपको कुर्सी भी मिलती है और बेटे की मुस्कुराहट भी। एक चाय करते हैं। और मैडम क्या लेंगी? आइस टी। एक आइस टी। दुनिया के सारे ब्रांड्स मिल जाए ना, तो वो नेचर का एक प्रोडक्ट नहीं बना सकता और ना ही कभी आगे बना सकेंगे। प्रोडक्ट बनाना दूर की बात, नेचर के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्कवर नहीं कर सकते। दुनिया से देखें तो चांद एक नुक्ता, चांद से देखें तो दुनिया एक नुक्ता, फिर कहकशाएं एक नुक्ता, और पता नहीं कितने नुक्ते हैं जो हमें नजर ही नहीं आते। मेरे जहन में एक ही सवाल है। के? कि आपके पास हर सवाल का जवाब कैसे होता है? खुद एतबारी की वजह से। और खुद पे एतबार कैसे होता है? हर इंसान की जिंदगी फर्क होती है, उसके एक्सपीरियंसेस भी फर्क होते हैं। तो जब एक्सपीरियंस फर्क है तो उनके लेसन्स भी फर्क है। बचपन में हम नहर पे नहाने के लिए गए, दोस्त यार नहर देखी, हम लोग कूद पड़े, मैं डूबने लगा, मैंने फौरन अपने हाथ हवा में लहराए मदद के लिए, बचाओ बचाओ। अब अचानक मेरी दोस्तों में नजर पड़ी तो सब लोग मुझे देख रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया कि भाई यहाँ पे कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि यही हाथ जो मैं हवा में मदद के लिए लहरा रहा हूँ, इससे मुझे तैर के वापस आना पड़ेगा। वो दिन और आज का दिन है, मैंने आइंदा किसी से मदद नहीं मांगी। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। सलार घर पर है? सलार तो ऑफिस गए हुए हैं। आप कौन? आप अपना नाम बता दें, सलार जब आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। मेरा नाम जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है आपने? सलार से। जी फरमाएं, मैं ही हूँ।
तुम चमार है। जी मेरी आंखें तुम मुद्दतों से तुम्हें देखने से नरम रही। तुम जानते हो कि मैंने इस जिंदगी में कितने गम सहे हैं और इसी उम्मीद में जिंदा रहूं ताकि तुम्हें देख सको। वो तो ठीक है मगर आप दोनों हैं कौन? मैं खारवान खान हूँ। मैं तुम्हारा चाचा बतूर खान। मैं किसी कारवां और बतूर खान को नहीं जानता। आप गलत पते पे आए हैं। बेटा मैं तुम्हारा दादा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये गलत पता है। आप लोग यहाँ से जाएं प्लीज। मेरी एक ही ख्वाहिश है मैं कुछ ना मैं तुम्हारा समय गुजार सकूं अगर तुम चाह सको। सालार तुम्हें याद है कि जब तुम अपने नाना के घर में भागते हुए मेरे पास आते थे मुझे गले में? जी बिल्कुल मुझे याद है। बेशक मेरी उम्र 7 साल की थी मगर भूला मैं कुछ नहीं। और वैसे भी अब इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी माँ ने मुझे सख्ती से हुक्म दिया था कि मैं आप लोगों से कोई ताल्लुक ना रखूँ, आप लोगों से बहुत दूर रहूँ। और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो मैं ये चाहूँगा कि मैं उनके हुक्म की तामील करूँ। बेहतर यही होगा कि आइंदा के बाद आप लोग कभी यहाँ पे मुड़ के वापस मत आए। ये तुम्हारा बेटा है? जी बाबा। ये कौन लोग हैं? मैं बेटा? बेटे कोई नहीं है, बस वैसे ही मेहमान आए। मैंने आपको फिल्मों में देखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं आता हूँ फिल्मों में। तुमने देखा है मुझे फिल्मों में? इधर आओ मेरे पास आओ। और आपने फिल्मों में देखा था? क्या कर रहा था मैं? यूं दोनों बाजू खोल के, यूं हाथ खोल के, हाँ जवाब करते थे। आपके हाथों में से आग निकलती। मेरा ख्याल है वक्त बहुत हो गया। आप लोगों ने जो बातें करनी थी वो कर ली हैं। अब मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे बारे में सोच रही थी? क्या मतलब? मतलब नहीं पूछा, सवाल पूछा है। क्या आप मेरे बारे में सोच रही थी? आपको कैसे पता? इंसान जब कुछ सोचता है ना तो एक एनर्जी क्रिएट होती है। मैं आपके बारे में सोच रहा था और जिस शिद्दत से सोच रहा था ऐसा हो नहीं सकता कि वो एनर्जी आप तक ना पहुंची। सच मैं आपके बारे में ही सोच रही थी और ये भी सोच रही थी कि मैं आपके बारे में क्यों सोच रही हूँ। अब समझ में आया आप एनर्जी भेज रहे थे। जी जी जी। अच्छा मुझे बताएं कि वो सारब से बात हुई? जी बहुत एक्साइटेड है। फरहीन बता रही थी काफी मेहनत कर रहा है। तो शूट का कोई टाइम डिसाइड हुआ? 6-7 बजे। तो आपकी तैयारी कैसी है? अल्लाह मैं क्या तैयारी करूं, बस कर लिया जितनी कर सकती थी, बाकी अल्लाह सब खैर करेगा। और कल फिर शूट पे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ हॉस्पिटल लेके गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहना था, कुछ दवाइयाँ दी हैं और कुछ तसलियाँ। अब्बा का ना बीमारी का बहुत मसला है, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है और अब तो दिल भी कमज़ोर हो गया है। अल्लाह आपके अब्बा को सेहत दे, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे। बाप क्या चीज़ होता है मुझे उस दिन पता लगा जिस दिन मैं घर वापस लौट के गई थी।
और उन्होंने मुझे देखते साथ गले लगा लिया था। मैं जब घर वापस जाने का सोचती थी ना, तो मुझे लगता था कि मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मुझसे नहीं मिलेंगे, मुझे मार देंगे। पर उन्होंने सब भुला के मुझे गले लगा लिया। बाप की शफकत ही कुछ और है। अगर आपके अब्बा की तबीयत इतनी ख़राब है तो आपको उन्हें अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए था। सोच रही हूँ कि उनके पास शिफ्ट कर जाऊँ। अम्मा अब्बा को बहुत ज़रूरत है मेरी। सोचना क्या है, हो जाओ शिफ्ट। हो तो जाऊँ, पर फिर तुम्हारा ख्याल आता है कि तुम कैसे रहोगी। मेरा, मैं जलालम से अकेली आई हूँ, इस्लामाबाद पहुँच गई, गेस्ट हाउस गई, वहाँ से भागी, सड़कों पर सोई, भिकारन बन गई, पुलिस के पास पहुँच गई, फिर आपकी गाड़ी से टकरा गई और आपके साथ रहने लगी। शायान मिला, सवालों के जवाब मिले, ज़िंदगी में मकसद मिला। आप मेरी फिक्र ना करें, मंजिल हाथ से थाम कर या कान से पकड़ कर अपने तक ले ही जाती है। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। आपने मेरे लिए जितना किया है बहुत है। इस वक्त आपके अम्मा अब्बा को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। बेफिक्र होकर शिफ्ट हो जाएं। फिर एक काम करते हैं, कुछ रातें मैं तुम्हारे पास रह लिया करूंगी और कुछ रातें मैं घर पे अम्मा अब्बा के साथ। सही है? हमारा केस बहुत मजबूत है और रुस्तम को कम से कम मौत की सजा जरूर होगी। मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, उसे मौत की सजा नहीं होगी। जज उसको कुछ सालों के लिए सजा देके माफ कर देगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, मुजरिम इकबाल जुर्म कर चुका है और उसे मौत की सजा तो जरूर होगी। नहीं होगी। देखिए, यह केस मैं देख रहा हूं और मेरा यकीन करें, जो ये कह रहे हैं वो करें। उन्होंने कहा माफ करना है तो माफ करना है। देखिए, मैंने इस केस पे बहुत मेहनत की है और आप एक मिनट में आपको आपका मुआवजा मिल रहा है ना, आइंदा भी मिलेगा। कोशिश करें कि रुस्तम को कुछ ही पेशियों में बाहर करें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरा एक मशवरा है। बुजुर्गों का कहना है कि जब तक मशवरा मांगा ना जाए देना नहीं चाहिए, और मैं ये बेहतर समझता हूँ कि तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। जैसे आपकी मर्जी, आप मुद्दई हैं जो आपका फैसला, तो मैं फिर कागजात तैयार करवाता हूँ। जा एक मिनट, जरा उसको नीचे कर, थोड़ा नीचे रखे, बिल्कुल उसके सर के पीछे आएगा तो आराम हो जाएगा। सेट तो बहुत क्यूट लग रहा है, है ना? सारिब नहीं आया अभी तक? सारिब, मैं आने वाला होगा, मैं कॉल करके पूछती हूँ। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जा। हेलो, आप लोग कब तक आ रहे हैं? बस मैं तैयार हो गई हूँ, 5 मिनट में निकल रही हूँ। अच्छा, हम लोग भी बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग आए तो हम एक रिहर्सल कर लेंगे और फिर शूट फौरन स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके, बस ठीक है, 40 मिनट्स में मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है, चलें, हम सब आपका इंतजार कर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू, सी यू। खुदा हाफिज़। परफेक्ट। हाँ, बात हुई? बस निकल रहे। बस वी रेडी, आता सारे तो शुरू करते हैं। मामा जल्दी करें ना, देर हो रही है। बस बेटा, 2 मिनट 2 मिनट, मैं आ रही हूँ। जी, मैं गाड़ी के पास आपका वेट करता हूँ। ठीक है, चलो, ओके। सारे, Sareb, come on, we need to go. Sareb? Sareb, where are you? Sareb? 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 सारिब, सारिब, सारिब बेटा, सारिब,
तक मेरे बेटे कहाँ चले गए हो तुम? फोन तो उठाना चाहिए, अल्लाह खैर करे, तक तो आ जाना चाहिए था। गाड़ी खराब हो गई होगी, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हाँ, लेकिन फोन तो उठाना चाहिए। मुझे तो कोई और मसला लग रहा है, बेचैनी हो रही है। घर चलें सारिब के? हाँ चलते हैं, मैं एक आखिरी बार मिलाती हूँ फिर। पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस देखो और जगह जगह नाके लगाओ। वो दोनों मोटरसाइकिल सवार किसी सूरत नहीं निकलने चाहिए। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तसल्ली रखें। रिश्तीना, रिश्तीना। सारब, मेरा बच्चा अगवा हो गया, मेरे बच्चे को कोई ले गया रिश्तीना। कैसे क्या? हम लोग तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे, मैंने उसे कहा दो मिनट तुम वेट करो, मैं आ रही हूँ। मैं बाहर गई, वो वहाँ नहीं था, गेट खुला हुआ था, मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा, दो सवारी आए हैं बाइक पे, मेरे बच्चे को उठा के ले गए। मेरे बच्चे अगवा हो गया। ढूंढेंगे सब। पानी चाहिए। कोई है? मैं लेके आता हूँ। हिम्मत करें, उठे। पानी लाए। सारिब को किसने अगवा किया होगा? इतनी जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता किसने किया है, बट खैर करे। मैं अपने अकाउंट पे वीडियो लगाती हूँ, शायद कोई उसको पहचान ले, हमें उस तक पहुंचा दे। गुड आइडिया, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप सोच लो कि बोलना क्या है। सोचने का टाइम नहीं है, मैं तैयार। एंड क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिश्तीना है, आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक इल्तजा लेकर आई। एक छोटा सा बच्चा है सारिब, उसकी उम्र 7 साल से भी कम है। कल शाम को 5 से 6 बजे के दरमियान उसके घर के बाहर से किसी ने उसे अगवा कर लिया। मैं इस वक्त उसके घर पे मौजूद हूँ। उसकी माँ की हालत काबिले रहम है, वो अपने बच्चे के बगैर पागल हो गई हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, उनका घर उजड़ गया है। आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें उनका घर दोबारा आबाद करने में। मैं सारिब की वीडियोस, बहुत सारी फ़ोटोज, सब चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग उसको जितना हो सके आगे शेयर करें, हो सकता है आप में से कोई हमारी मदद कर सके सारिब को वापस लाने में। मैं आपको बता नहीं सकती ये कितनी ज़रूरी वीडियो है, प्लीज़ आप लोगों ने शेयर करनी है ये वीडियो, प्लीज़ सारिब के लिए, उसकी अम्मी के लिए। संभालो अपने आप को आप रिश्तीना, अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो सारिब की अम्मा का क्या होगा? कोई इतने छोटे बच्चे को कोई कैसे अगवा कर सकता है? बिजनेस है यहाँ पे, कुछ तावान के लिए उठा लेते हैं, कुछ बैरूनी मुल्क स्मगल करने के लिए, और कुछ से भीख मंगवाते हैं। इट्स टेरिबल। सारिब मिल जाएगा ना? इंशाल्लाह मिल जाएगा। इस वक्त
सारब की अम्मा को तुम्हारी सख्त जरूरत है, प्लीज जाओ सहारा दो। वीडियो पोस्ट कर दिया मैंने, मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया है, सब लोगों को सारब के बारे में बताया, उसकी फोटोज वीडियो सब शेयर किया है। इंशाल्लाह लोगों की मदद से हम सारब को जल्दी ढूंढ लेंगे, आप प्लीज मायूस ना हो। मेरा बच्चा घूम गया, मैं कैसे मायूस ना हूं? मेरा 4 साल का बच्चा, उसको उसको तो खाना भी नहीं आता, वो पता नहीं किस हालत में होगा। जो भी उसको लेकर गए वो मेरे सामने आए, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हम उसे ढूंढ लेंगे, मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा उसे, सोशल मीडिया पर वीडियो लगाने के बाद सब लोग सारिब की वीडियोस और फोटोज शेयर कर रहे हैं, मिल जाएगा इंशाल्लाह। मेरा दिल बंद हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तीना खुदा का वास्ते मेरा बच्चा ढूंढ के ले आओ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। आप अल्लाह पे यकीन रखें, कुछ नहीं। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मुझे अभी अभी खबरों से पता चला है कि सारिब को अगवा कर ली गई। बेटे परेशान मत हो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर पैदा करेगा और सारे को तुम्हारे पास वापस लेके आएगा। ये कौन थे? सलार के दादा। सलार भाई के सगे दादा? ये तुम्हारे दादा हैं और ये तुम्हारे चाचा। नेबर्स है क्या? नेबर्स है। सारब के लिए कोई कॉल आई है? कॉल आ जाती तो अच्छा था। क्यों? ये अगर किसी ने सारब को रैंसम के लिए किडनैप किया है तो वो हमसे रابطे में रहेगा, कॉल करता रहेगा। लेकिन अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग का केस है तो कोई कॉल नहीं करेगा, और ऐसे केस में किडनैपर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। पुलिस उसे ढूंढ लेगी ना? लेगी, लेकिन लेकिन क्या? हर साल जितनी भी किडनैपिंग होती है ना, पुलिस उसमें से सिर्फ 50% लोगों को रिकवर कर पाती है। आप पुलिस में किसी को जानते हैं? क्यों? मुझे कैदी से मिलना। कैदी से मिलना? हाँ, मेरा एक दोस्त है पुलिस में, आई कैन टॉक टू हिम। किस लिए? बस मुझे मिलना है, आप पता करवाएं। हाँ, मेरा एक दोस्त है पुलिस में होता है वो, मैं कॉल कर लेता हूँ उसे। वेट, आप यहीं रुके, मैं आती हूँ। हवालात हैं, अकेले अंदर जाना मुनासिब नहीं रहेगा। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, आप फिक्र ना करें।
तुम क्यों आई हो यहाँ पर? मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। वो अगर कारवान खान ने देख लिया बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसी से मिलकर आ गई। क्या वो तुम तक कैसे पहुंचा? किस्मत ने पहुंचा दिया, लेकिन वो मुझे पहचानता नहीं है। वो यहाँ भी आया था, उसे पता चल गया कि मैंने वाजिद खान को तुम्हारी वजह से कत्ल किया। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उसे पता चल जाएगा तुम वही लड़की हो जिसे वो ढूंढ रहा है। ये सब जरूरी नहीं है, अभी मुझसे भी ज्यादा जरूरी कुछ है। मुझे आपकी मदद चाहिए। जल्दी बताओ। एक बच्चा है सारिब, अगवा हो गया, उसे ढूंढना है। वाह हुआ वाह, बच्चा उसको ढूंढना इतना आसान नहीं है। माफिया है, माफिया कैसे लड़ोगी? मैं लड़ लूंगी। सारिब को हर हाल में ढूंढना है। आप मेरी मदद करें तब भी, ना करें तब भी। आप कुछ कर सकते हैं? तुम उजैर से जाकर मिलो। उजैर तुम्हें आसिफ टोनी से मिलवाएगा। आसिफ टोनी से जाकर कहना कि तुम्हें रुस्तम ने भेजा है। मैंने उस पर काफ़ी एहसान किए हुए हैं, मुझे बार बार कहता रहता है कि वो एहसान चुकाना चाहता है। उसे जाकर बोलना कि एहसान चुकाने का वक्त आ गया है, तुम्हारी मदद ज़रूर करें। मैं उजैर से मिल लेती हूँ। आइंदा अभी यहाँ नहीं आना। खुदा हाफिज़। सुनो रिश्तीना, कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज। हमें आसिफ टोनी से मिलना है। आसिफ टोनी कौन है? ये हमें सारिब तक पहुंचाएगा। लेकिन ये आसिफ टोनी मिलेगा कहाँ पे? एक आदमी है उजैर, वो हमें आसिफ टोनी के पास लेके जाएगा। जहर कौन है? आप मुझे बताएं, आप इन सब लोगों को कैसे जानती हैं? अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिलहाल हमें फौरन आसिफ टोनी के पास जाना है। मैं उजैर को फोन करती हूँ, हम उसको पिक करेंगे, वो हमें आसिफ टोनी के पास लेकर जाएगा, लेकिन जल्दी। ठीक, लेट्स गो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम है तेरे से, अंदर आने दे। मुझे तुम लोगों से कोई काम नहीं है, निकल यहाँ से। शाबाश। रुस्तम ने भेजा है हमें। एहसान नहीं लेना चाहिए किसी का। जब तक हिम्मत थी, ताकत थी, मैं कहता था उसको कि अपने एहसान का बदला ले ले। पैसे चाहिए पैसे ले ले, कोई काम है तो बता, अभी करता हूँ। तब कहता था नहीं, एहसान बदला लेने के लिए नहीं किया जाता। आज भेज दिया किसी को एहसान का बदला लेने। किसी एहसान का बदला नहीं चुका रहे हो तुम, मदद चाहिए तुमसे। हो सकता है तुम्हारी मदद से कई घर उजड़ने से बच जाएं। जो मर्जी कर लो, तुम बच्चा अगवा करने वालों को कभी नहीं रोक सकते। सारी सेटिंग हुई हुई है, सब मिले हुए हैं। हीरो बनोगे तो जान से जाओगे। अगर जान देने से बच्चा वापस मिल जाएगा तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ जान ही नहीं जाएगी, बच्चा भी नहीं मिलेगा। इतना आसान नहीं है ये सब मैडम। आसान होता तो आपके पास नहीं आते। हर किसी ने हाथ खड़े कर लिए हैं, किसी में इंसानियत नहीं है। पुलिस भी बेबस है, आप हमारी कुछ तो मदद करें। मैं ये धंधा बहुत पहले का छोड़ चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होगा ये धंधा होता कैसे है। बच्चों को कहाँ ले जाया जाता है, कैसे ले जाया जाता है, कहाँ बेचा जाता है। जब तक काम करता था तब तक सब पता था, जब से काम छोड़ा है मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। ये धंधा छोड़ा क्यों? बहुत अच्छा काम चल रहा था, पैसे मिल रहे थे, अयाशियां हो रही थी। फिर एक दफा ईद के दिन मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा जिस पर उन्होंने अगवा हुए बच्चों के वालिदैन के इंटरव्यू चलाए। सब बहुत दुखी थे, तकरीबन कोई 8-10 बच्चों की कहानियां थी, 4-4 5-5 मिनट की।
उसमें से दो बच्चे मैंने अगवा किए थे। बस उस दिन मेरा दिल ऐसा टूटा कि मैंने कभी काम नहीं किया। सुकून का एक लम्हा देखने को तरस गया हूं मैं। अपनी सजा काट रहा हूं यहां पर। क्या लगता है आपको, इस तरह जिंदगी गुजारने से, सजा काटने से आपके गुनाहों का अजाला हो जाएगा? मैं कैसे अजाला कर सकता हूं, मैं तो बहुत कमजोर इंसान हूं। जितने बच्चे अगवा किए हैं अगर उतने बिकने से बचा लो तो शायद अजाला हो जाए। आखिरत के दिन नेकियों और बदियों को एक ही पलड़े में तोला जाएगा। कोशिश तो करो कि तवाजन बन जाए। सिर्फ उसी तवाजन से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। आखिरत के बाद की मंजिल के बारे में सोचो। हमारी मदद करो। ठीक है, मैं देखूंगा। आपको क्या लगता है, वो हमारी मदद करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? कैसे पता? अपने गुनाहों का अजाला करना चाहता है। वैसे भी अंदर से तो मर ही चुका है। तो he'll do it, don't worry. आ गया मेरा शहजादा। हाँ सुना, कैसा है? आ गया वापस? तो मैंने कहा था ना, और ज्यादा दिन तो हमसे दूर नहीं रह सका भाई का। ओ, मुझे भी यकीन था, और ये हमसे और अपने काम से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। हाँ उस्ताद आदमी है, कैसे दूर रह सकता है। अब काम ही एक आता, अब आ गया तो काम शुरू करें। हाँ करेंगे ना काम, क्यों नहीं करेंगे, उसी के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे। चल फिर आज आ ही गया है तो तेरे लिए आज फिर देसी मुर्गी की कढ़ाई बनाते हैं। वाह यार, देसी मुर्गी खाए हुए पता है कितना अरसा हो गया मुझे। जब से मैंने काम छोड़ा है ना, दाल खाने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। और बेरोजगारी से इतना ही तंग था तो काम छोड़ के क्यों गया था? बस यार गलती हो गई थी मेरे से। चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब काम करते हैं। एक बड़ा ज़रूरी पार्सल पहुँचाना है। ठीक है, कौन सा पार्सल कहाँ पर है? पार्सल भी पता चल जाएगा, उस्ताद बताएगा ना। कब तक पहुँचाना है? इंशाल्लाह शाम तक। शाम तक, चलो सही है, देखते हैं। सिगरेट है? दरवाजा खोलो, मुझे मामा के पास जाना है। दरवाजा खोलो, मुझे मामा के पास जाना है। दरवाजा खोलो, मुझे मामा के पास जाना है। बकवास बंद करो। अमाश, और भाई क्या चल रहा है? अजाब डाल दिए बच्चों ने। अजाब में तो डाल दिया है, इसकी तस्वीरें इंटरनेट पे इस तरह चल रही हैं जैसे किसी मुल्क का वजीर आजम हो। एक तो इस इंटरनेट की वजह से सब पकड़े जाते हैं। अब क्या करना है इस बच्चे का? पट्टी बांध दो इसके मुंह पे। ये रहा जी हुक्म का के, और ये रहा इक्का। एक बार फिर जीत गया तुम सबका उस्ताद। क्या बात। वैसे उस्ताद तू नहीं था ना, ताश खेलने का मजा भी नहीं आता। जब से यहाँ से गया हूँ मैंने ताश को हाथ भी नहीं लगाया, अभी वापस आया हूँ तो ताश उठाई है। लेकिन वही जादू है अभी भी उस्ताद। क्या चाल चली है? इनके मुंह देखो, इधर बने फिरते हैं जवारी। लाओ 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 20,000 रुपए। ऐसे कच्चे जवारी होते हैं जो अपना घर बार सब हार जाते हैं। कर लेते हैं, कर लेते। अच्छा वैसे वो पार्सल कब देना है हम लोगों ने? जुमेरात सुबह अजान के बाद। अच्छा लेकिन पार्सल है कहाँ पर? तू तो सेठ को जानता ही है ना, वो इतनी जल्दी किसी को राज नहीं देता। हमें भी नहीं पता पार्सल कहाँ है। सेठ बात का बड़ा पक्का है, उठाता कोई है
ले जाता कोई है, रखता कोई है, बेचता कोई है, पता नहीं क्या चक्कर है। इस सारे चक्कर में हमारा काम सिर्फ इतना ही है, हमने पार्सल उठाना है एक जगह से दूसरी जगह रखना है। हाँ, लेकिन काम तो हम लोग ही करते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पार्सल क्या है और कहाँ पर है। नहीं, हमें पैसे मिल जाते हैं ना, हमें क्या कि पार्सल क्या है और कहाँ है। जुमेरात को तैयार है ना, साथ चलेंगे। नहीं यार, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम्हें पता तो है अभी काम पर आया हूँ तो इसलिए थोड़ा सही से वापस आ जाऊँ, फिर देखते हैं काम भी करेंगे। ताश भी तो इतने अरसे बाद पकड़ी है, वापस आ गया ना, उस्ताद आदमी है यार। हाँ यार, लेकिन इस दफ़ा तुम लोग जाओ, लेकिन अगली दफ़ा लाजमी चलूँगा तुम्हारे साथ। तेरी मर्जी है, जैसे तेरा दिल चाहे। अभी यार तुझे पता है थोड़े हालात नहीं है इस तरह के, बस थोड़ा काम से ऑफ था इसलिए नहीं जा सकता। ये बात फिर से गेम हम लोग जीत गए। सवाल नाचे जवाब गुम है, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।